हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ लावाजी महाराज मंदिर, जो कि छापराड़ी गांव में स्थित है। छापराड़ी पहुँचने के लिए आप कुकस से आ सकते हैं तथा छापराड़ी अचरोल के द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। इसको मैंने लाल रंग की लाइन से बता रखा है। यह ट्रैकिंग रूट ही है जो कुकस से शुरू होकर अचरोल तक पहुंचता है। छापराड़ी गांव पहाड़ी की तलौटी में स्थित छोटा सा गांव है, जहां से बाणगंगा नदी निकलती है तथा यही बाणगंगा नदी आगे जैतपुर से होती हुई ताला मोड़ तक पहुंचती है। यह छापराड़ी गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो अक्सर बंद रहता है, लेकिन आसपास बहुत ही सुंदर है और तथा आपको देखकर एक उन्नत गांव का नज़ारा यहाँ पे नज़र आएगा। यह रास्ता कुकस से पहाड़ियों उसकी तलहटी से उतरता हुआ छापराड़ी गांव पहुँच जाता है। जैसे ही आप छापराड़ी गांव पहुँचते हैं, तो आपको यहाँ पर बड़ा अद्भुत नज़ारा, कश्मीर की वादियाँ और देहरादून की पहाड़ियों का एहसास होता है। यहाँ पे 500 वर्ष पुराना बरगद का पेड़, यह बरगद का पेड़ बहुत सारी जटाओं पर लगा हुआ है। इस बरगद के पेड़ के साथ ही खेजड़ी का पेड़ भी है, जो आपको देख के लगेगा इतना पुराना पेड़ आज भी कैसे स्थित है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, कभी आप आएँ। और मैं अब आपको लावाजी महाराज का जो मंदिर है उसके बारे में बताता हूँ। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, आप सभी कैसे हैं। मैं मंदिर के आसपास के स्थित एरिया आपको दिखाना चाहूँगा। ये पहाड़ी से सड़क नीचे उतरेगी, जो कि कुकस से होती हुई यहाँ आती है और छापराड़ी गांव में आपको लेके आ जाती है। छापराड़ी गांव में जैसे ही आप आएंगे, तो यहाँ पर 500 साल पुराना बरगद का पेड़ जो कि आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, साथ के साथ बरगद के पेड़ के पास में ही खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी के पास में आप जब देखेंगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी टी स्टॉल है, जिस पे आप कभी आके चाय वाय पी सकते हैं। तथा यही रास्ता फिर आगे जो देख पा रहे हैं, ये सीधा आपका जैतपुर खींची अचरोल चला जाता है। मैं लावाजी महाराज का जो मंदिर है वो पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ आपको। लावाजी का खम्भों पे बना हुआ मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत सारा बड़ा एरिया यहाँ पर स्थित है। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और साथ के साथ देख सकते हैं कि बहुत ही मनमोहक और सुंदर दृश्य यहाँ पर स्थित है। पास में आप देख रहे हैं जो सड़क ये जैतपुर खींची से आ रही है, तथा ये छोटी सी दुकान और खेजड़ी का पेड़। ये मंदिर पर स्थित सीढ़ियाँ हैं, जो सीधे आपको मंदिर पर ले आएंगी और इन सीढ़ियों से चढ़ के आप जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा एक भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मंदिर। चलिए दोस्तों, अब इस मंदिर पर चलते हैं, हम आपको मंदिर के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हम मंदिर में चलते हैं, मंदिर में आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर खंभों पर बना हुआ मंदिर अपने आप में लाजवाब है। चारों तरफ आप देख सकते हैं इतना मनमोहक दृश्य बना हुआ है, बहुत सुंदर आप। चलिए आइए, मंदिर की तरफ हम चलते हैं। जैसे ही मंदिर की तरफ चलते यहाँ पर बीचों बीच स्थित एक मंदिर दिखाई देता है। हेलो दोस्तों, वेलकम। अभी हमारे पास सौभाग्य से आज पुजारी जो हैं वो हमें मिल गए, मंदिर कमेटी के ये सेवा करते हैं, तो आप इनका हम परिचय कराते हैं आपसे। और क्या नाम है आपका? सूरजमल मीणा। सूरजमल मीणा, तो ये मंदिर का कब से है ये? ये तो कोई 500 साल पुराना। 500 साल पुराना, मतलब गांव जब से था, इससे गांव से पहले का है? पहले गांव का ज़्यादा, पहले डूमरी के गांव का है। अच्छा, इससे पहले तो वहाँ का मिंगल बैंडा है। अच्छा, मिंगल बैंडा से आकर के यहाँ बसे डूमरी पे। अच्छा अच्छा, फिर डूमरी से आकर के यहाँ बस गए। अच्छा अच्छा, तो ये जो है लावाजी, किस चीज़ का मंदिर है ये? ये लावाजी हमारे बैंदड़ों का बटका है। अच्छा, कुल देवता हमारे बैंदड़ों, कुल देवता है। अच्छा अच्छा, इनका मेला भी तो कोई, हाँ मेला कब लगता है? मेला आजाद वाजी दोस्त का, आधा भादवा की दोस्त, मतलब सितंबर के आसपास लगता है, सितंबर माह में। तो दोस्तों, आपने देखा सितंबर माह में यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है,
और साथ के साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये कुकस से जो जैतपुर खींची अचरोल का जो साइकिल ट्रैक ऑथराइज भी राजस्थान गवर्नमेंट का साइकिल ट्रैक है वो है। चलिए वेलकम, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं मंदिर। चलिए दोस्तों, मैं मंदिर में लेके चलता हूँ आपको, मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है, तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और मंदिर में आप देखें एक बड़ी अच्छी सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, और कि साथ के साथ में बहुत ही सुंदर ये काम किया हुआ है। तो ये सब का सब मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में जब आप इस पर देखेंगे बड़ी बड़ी दीवारें और बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, आप देखिए बड़े इसको। और साथ के साथ में यहाँ पर मंदिर का जो बना हुआ है ये मूर्ति स्थापित की है लावाजी महाराज की, तो लावाजी महाराज की मूर्ति है ये। दोस्तों मैं और आपको घुमाता हूँ यहाँ पर मंदिर प्रांगण में जो पीछे गई है वो दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ से आप परिक्रमा का जो एरिया दिया हुआ है उसको देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा है, और इसके चारों तरफ आप परिक्रमा करते हुए आप मंदिर के फ्रंट में वापस पहुँच सकते हैं। साथ के साथ मैं बताना चाहूँगा, आप कभी भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ संडे को छुट्टी के दिन आ सकते हैं, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जगह है। आप देखें ये मंदिर के हम फ्रंट में आ गए। हेलो दोस्तों, अभी हम उस बरगद के पेड़ के नीचे आ गए। मैं बरगद के पेड़ को दिखाना चाहूँगा, बहुत सारी जटाएँ हैं इसकी, और ये जटाएँ जो है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत पुराना पेड़ है बरगद का, और देखिए इसका मुख्य तना ये, और करीब 6-7-8-10 जो जटाएँ हैं, बड़ी बड़ी जटाएँ यहाँ पर निकली हुई हैं जो इस पेड़ को बनाए हुए रोके। तो दूसरा और दिखाऊँगा आपको कि यहाँ पर एक पुराना खिचड़ी का पेड़ भी, जो भी 500 साल पुराना बताते हैं, तो ये 500 साल पुराना आपका खिचड़ी है। इसके बारे में बता दो कुछ बढ़िया सा, कितना पुराना गांव है ये? ये करीबन 750 साल पुराना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब बता रहे हैं 450 साल। सामने जिसे डूंगरी बोलते हैं आदिवासी बोली के अंदर, ये छापराड़ी की पहाड़ी है, उससे आगे जाते सिंहवाला की है, कचराला की है। तो सब लोग पहले क्या है पहाड़ों पे ही रहते थे, जंगली जानवरों के डर से पहाड़ों पे ही, जो उन्हें आजीविका जो भी जीवन किया अपने आजीविका चलाने के लिए उन्हें पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ता था, तो उसी टाइम उतरते थे। कि यहाँ पर कभी नदी आई है इधर? नदी इतनी, नदी हमारे यहाँ पर इतनी आई है, कम से कम आप नदी में जाकर देखोगे तो आज कितना साल पहले, मतलब पुराना अगर हम देखें तो नहीं बता सकते, लेकिन 30 फीट जो नदी में कुएँ अवेलेबल हमारे पास अभी, वो 30 फीट की ऊँचाई है, जो वर्तमान नदी है ना उसकी 30 फीट की ऊँचाई से अब आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर नदी कितनी तेज, और करीबन चौड़ी 200 फीट या 200-300 फीट की चौड़ाई है, कहीं कहीं 400 फीट की चौड़ाई है, कहीं 300 फीट की चौड़ाई है नदी, और इसका ये सीधा रामगढ़ बांध में इसका पानी जाता है। अच्छा, और ये हमारा कुलदेव दावाजी महाराज हमारा मिली देख ली पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये हमारा सीधा बंदे आ चुके हैं, शंकर जी नेताजी से मिलिए, कभी आप आए, समाज से जुड़ी हो या इस गांव से संबंधित कोई समस्या दोस्तों आपको आए तो आप इनसे आके मिल सकते हैं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। और साथ ही साथ में आपको यहां घूमने में बहुत मज़ा आएगा, कभी भी आप आएँ आपका बहुत स्वागत है।